नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर, खबरें फटाफट में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम खलियार मंडी में 200 बिस्तरों के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का किया लोकार्पण। इस सेंटर में सेंट्रल पाइपलाइन के माध्यम से होगी ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेहरचौक में 7 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। नेहरचौक मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर जीवानंद चौहान ने की खबर की पुष्टि। दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों का लिया संपूर्ण जिम्मा। ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित अरुण प्रकाश आर्य ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उपायुक्तों और अन्य से अनाथ बच्चों के लिए आगे आने का किया आग्रह। गेहूं खरीद केंद्र ठाकुर द्वारा में अब तक किसानों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई 6588 क्विंटल गेहूं की खरीद। प्रागपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत हार मिंटा के वार्ड नंबर 2 में 8 फुट की ऊंचाई से गुजर रही थी 3 फेस बिजली की नंगी तारें। लोगों को हर समय सता रहा जान का खतरा। पंचरुखी और आसपास के दुकानदारों ने हार्डवेयर दुकानें खोलने की तर्ज पर सप्ताह में 2 बार मांगी दुकानें खोलने की इजाजत। सरकार से राहत की जताई उम्मीद। दून निर्वाचन क्षेत्र की जाड़ला पंचायत में दर्जनों पॉजिटिव मामले आने के बाद आरला गांव को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। रिवालसा बाजार में काफी संख्या में लोग बेवजह सड़कों, झील परिक्रमा पथ और बाजार की गलियों में घूमते हुए नजर आए। लोगों को नहीं कोरोना संक्रमण का डर। हमीरपुर के उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत धमरोल का हैप्पी यूथ क्लब दिन रात संक्रमितों की मदद को समर्पित। क्लब के प्रधान नरेश कुमार ज्योति का 14 वर्ष का भतीजा और 9 वर्षीय बेटा भी कर रहा भरपूर मदद। पौंटा साई में बाजार और सब्जी मंडी का एसडीएम विवेक महाजन व डीएसपी वीर बहादुर ने लिया जायजा। दुकानदारों और आरतियों को दिए नियमों की पालना के निर्देश। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कफोटा सीएचसी को मिले ऑक्सीजन के 5 सिलेंडर। खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने अस्पताल पहुंचाई खेप। चंबा शहर में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोग सैंपलिंग करवाने में जुटे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रूबल ठाकुर ने हमीरपुर में हजारों रिपेयर के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने से सरकार से लगाई गुहार। सरकार पर प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ का जड़ा आरोप। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी संसदीय क्षेत्र देहरा के पत्रकारों को कोरोना से बचने के लिए भेजी पर्सनल प्रोटेक्शन किट। आखिरकार आजादी के 74 साल बाद सुंदरनगर की दुर्गम पंचायत सेरी कोटी सड़क सुविधा से जुड़ी। ग्रामीणों ने खुशी में मशीन ऑपरेटरों को हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। चंबा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जडेरा में तैनात एकमात्र डॉक्टर को डेपुटेशन पर भेजने के विरोध में जडेरा पंचायत प्रधान सीएमओ कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। सिविल अस्पताल सुंदरनगर का कोविड केयर हेल्थ सेंटर संक्रमितों के लिए लाया खुशखबरी। मरीजों के लिए परिजनों से बात करने के लिए शुरू की मोबाइल फोन सुविधा। मंगलवार सुबह कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान माल रोड सोलन में नहीं दौड़े वाहन, खरीदारी नहीं कर पाए लोग। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऊना में कई सरकारी और निजी भवनों का किया निरीक्षण। लगातार बढ़ते संक्रमण के नए कोविड अस्पतालों के लिए तलाशी संभावनाएं। मंगलवार को सरकाघाट व्यापार मंडल के प्रधान मनोज बावा की अगुवाई में एसडीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।